आदाब दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक से जुड़ा हुआ है। टिकटॉक अपने आप में इतनी मशहूर ऐप है कि शायद ही कोई व्यक्ति मोबाइल चलाने वाला ऐसा बचा हो जो टिकटॉक का इस्तेमाल ना करता हो। छोटे छोटे वीडियोज़ आते हैं, म्यूज़िक क्लिप्स होती हैं, उन पर लोग अपनी वीडियोज़ बना करके टिकटॉक पर अपलोड करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ टिकटॉक से निकल रहे हैं और बड़ी बड़ी अर्निंग भी कर रहे हैं। कमाई का एक जरिया भी बनता जा रहा है टिकटॉक। करोड़ों की तादाद में डाउनलोड्स हैं, करोड़ों की तादाद में लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, ऐसे में एक बीच में खबर आती है कि क्या टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए, और उसकी एक खास वजह भी बताई गई है कि टिकटॉक को बंद क्यों कर देना चाहिए। दरअसल मुंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है हिना दरवेश के द्वारा। हिना दरवेश ने जनहित याचिका इसलिए डाली है क्योंकि वो चाहती हैं कि टिकटॉक को बंद कर दिया जाए। और हिना दरवेश वही महिला हैं जो 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद इस जंग को लड़ रही हैं, और पिछले साल भी उन्होंने बाकायदा मद्रास हाई कोर्ट में टिकटॉक को बंद करने के लिए याचिका डाली थी। अब उन्होंने यही मामला मुंबई हाई कोर्ट में डाला है क्योंकि मुंबई की एक इंसिडेंस इसी साल जुलाई में हुई थी जब टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड करने के चक्कर में माहौल बिगड़ा और उसकी वजह से पुलिस ने कई सारे लोगों को टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने के लिए गिरफ्तार किया था। हिना दरवेश का कहना है कि माहौल ख़राब करने, बच्चों को बिगाड़ने और बाकायदा बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के अश्लील विषय वस्तु अपलोड की जाती हैं टिकटॉक पर। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ है इस तरह का पक्ष जहाँ पे मॉरेलिटी बीच में आती है कि क्या वाकई में इस तरह के अपलोड्स होते हैं जो कल्चर को बिगाड़ रहे हैं, जो देश की सभ्यता को बिगाड़ रहे हैं, जो अपराध सिखा रहे हैं बच्चों को। और दूसरी तरफ है कि एक बड़ी तादाद है जो टिकटॉक से बेहतरीन पैसे कमा रही है और टिकटॉक को एक कमाई का जरिया बनाया हुआ है और साथ में एंटरटेनमेंट का भी जरिया बना हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए या फिर किसी एक वजह से इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बंद करना सही नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या वाकई में टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।